मायावती देंगी द्रौपदी मुर्मू का साथ, कर दिया बड़ा ऐलान। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करेगी बहुजन समाज पार्टी। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का कर दिया बड़ा ऐलान। बहुजन समाज पार्टी ने आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव के लिए कर दिया समर्थन। इसी कड़ी में राष्ट्रपति चुनाव में अपना फैसला खुद लेने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है, जिसके तहत ही हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। और हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी व इनके एनडीए के पक्ष में नहीं और ना ही इनके विपक्ष यूपीए के विरोध में कोई सोच कर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी व मूवमेंट को विशेष ध्यान में रखकर ही एक आदिवासी समाज के योग्य व कर्मठ महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है। हालांकि वह कितना फ्रीली होकर वह बिना किसी दबाव के कार्य कर पाएगी ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा। अंत में अब मैं अपने आदिवासी समाज की महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए अपनी पार्टी का वोट देने का ऐलान करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरह ही पत्थर काट कर अपना रास्ता खुद बनाने के लिए लगातार संघर्ष करती रहती हैं और इन वर्गों का हित एवं आत्मसम्मान व स्वाभिमान बीएसपी के लिए सर्वोपरि है, जिसके लिए हमारी पार्टी कभी भी किसी से कोई समझौता कतई नहीं करती है। तथा अब वर्तमान समय में इसी कड़ी में राष्ट्रपति चुनाव में अपना फैसला खुद लेने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है, जिसके तहत ही हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। और हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी व इनके एनडीए के पक्ष में नहीं और ना ही इनके विपक्ष यूपीए के विरोध में कोई सोच कर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी व मूवमेंट को विशेष ध्यान में रखकर ही एक आदिवासी समाज के योग्य व कर्मठ महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है। हालांकि वह कितना फ्रीली होकर वह बिना किसी दबाव के कार्य कर पाएगी ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा। अंत में अब मैं अपने आदिवासी समाज की महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए अपनी पार्टी का वोट देने का ऐलान करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।